और इसी बीच गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, लापरवाही के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। कोर्ट के गेट पर ड्यूटी में तैनात जो 7 पुलिसकर्मी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। असलहा लेकर विजय यादव के कोर्ट में प्रवेश करने पर ये कार्रवाई हुई है। तो हमने देखा किस तरीके से विजय यादव असलहा लेकर और वकील के वेशभूषा में अंदर घुसते हैं और संजीव जीवा पर गोलियां बरसा देते हैं। और इसी लापरवाही को लेकर यहां पर जो 7 पुलिसकर्मी गेट पर ड्यूटी में तैनात थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। संजीव जीवा हत्याकांड की जांच अब और तेज हो गई है। लखनऊ में कल करीब 1 घंटे तक घटनास्थल पर पहुंचकर एसआईटी की टीम ने जांच की और ऐसे में एसआईटी की टीम की अगुवाई कर रहे एडीजी टेक्निकल मोहित अग्रवाल, आईजी जोन अयोध्या प्रवीण कुमार और जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने मौके का मुआयना किया। एसआईटी टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची थी। तो यहां पर खास तौर पर 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो कि लगातार जांच पड़ताल में जुट गई। और वहीं लखनऊ कोर्ट में हत्या के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोर्ट में गैंगस्टर की हत्या के बाद गृह विभाग ने सभी जिलों को आदेश दिया कि किसी भी न्यायालय परिसर में कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा। गृह विभाग ने आदेश का कड़ाई से पालन करने के भी यहां पर निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही सभी जिलों में कोर्ट की सुरक्षा के लिए 71 सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर, 22 इंस्पेक्टर, 240 सब इंस्पेक्टर, 522 कांस्टेबल और 1772 हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त QRT टीमें भी लगाई गई। तो यहां पर सुरक्षा को लेकर खास तौर पर कड़ाई बरती जा रही और जिस तरह से गैंगस्टर जीवा की लखनऊ के भरे कोर्ट रूम में हत्या की गई उस पर जमकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि हमलावर ने कोर्ट में वकील के भेष में जीवा पर गोली चलाई जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा और बीजेपी भी तुरंत पलटवार के मोड में नजर आई। अब एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ सपा और इन्हीं के बीच में कानून व्यवस्था को वो सवाल जो कि बहुत गंभीर हो गया। गैंगस्टर जीवा की हत्या के बाद से यूपी में सियासत 7वें आसमान पर है, क्योंकि कोर्ट में हुए गोलीकांड के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है। कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो लखनऊ में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। हर दिन हमें खबरें मिलती हैं। अगर खबरें ये वो है जो दिखा सकते हैं आपको, आज की अगर हम दिखाएं पूरे लखनऊ की या पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें, क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है? क्या यहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं? क्या ये लोग टिफिन लेकर के निकले हैं? क्या इनको जिले जिले में लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं नहीं पता लग रही? क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर है? लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को फेल बताया, उससे भाजपा अखिलेश यादव पर पलटवार करने लगी। वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और भाजपा सांसद सुब्रत पाठक को अखिलेश की बात बुरी तरह चुभ गई। अखिलेश यादव से कहिएगा अपने गिरेबान में छाके, 17 से पहले उत्तर प्रदेश को अपराधियों का चरागाह बना करके छोड़ा था समाजवादी पार्टी ने। 100 बिल चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत को चरितार्थ समाजवादी पार्टी कर रही है। बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ, सभी आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेता हूँ और कड़ाई से कार्रवाई करूंगा। इसमें जो भी पर्दे के पीछे लोग होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब देखो, अब विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पे इसकी रचना रची गई, ऐसा उन्होंने कहा अखिलेश जी ने, मुझे कोई बता रहा था। तो भाई अगर वो आप सवाल खड़े करोगे तो आपके ऊपर सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? तो कुल मिलाकर अखिलेश जी आज उनके सामने अपने आप को बौना महसूस कर रहे हैं, तो हो क्या ये भी एक प्रश्न तो हो ही सकता है क्या? ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी उनकी छवि खराब कराना चाहते हैं तो इसलिए इस तरीके की घटना घटी? समाजवादी पार्टी इस हत्याकांड को लेकर जहां कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि दरअसल ऐसे जो माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, उन्हें संरक्षण देने का काम सपा की सरकार में हुआ। जितने सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं उतने ही सवाल पुलिस की भूमिका पर भी हैं, क्योंकि जीवा कुख्यात अपराधी था। उसका नाम भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी कृष्णानंद राय की हत्या के साथ साथ दर्जनों अपराध से जुड़ा हुआ था। उसे जब भी पेशी के लिए लाया जाता था बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर लाया जाता था, लेकिन बुधवार को उसे बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के ही लाया गया। इसे आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं कि पहले की पेशी में जीवा बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर इस बार जब जीवा को पेशी के लिए लाया गया तो उसे बुलेट प्रूफ जैकेट में क्यों नहीं लाया गया? वहीं एक सवाल ये भी है कि जीवा को गोलियों से छलनी करने वाला विजयलाल यादव किसी के इशारे पर काम कर रहा था या फिर जीवा से उसकी कोई निजी दुश्मनी थी?
क्योंकि विजय यादव ने पुलिस को पूछताछ में अकेले ही पूरी वारदात को अंजाम देने की बात कही, लेकिन पुलिस को शक है कि उसके साथ कोई दूसरा साथी भी था जो जीवा की हत्या के वक्त कोर्ट रूम में मौजूद था, जिसकी तलाश पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से कर रही है। तमाम और लिंक सामने आएंगे, ये पता चलेगा कि आखिर विजय यादव को गाड़ी किसने दी, क्या वो उसकी खुद की गाड़ी थी या किसी ने उसको गाड़ी मुहैया कराई है। उस गाड़ी के नंबर के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस उसके मालिक तक पहुंचेगी और उसके बाद तमाम और जानकारियां सामने आएंगी। ये भी पता चला था कि गाड़ी देने वाले ने ही उसको पिस्टल रिवॉल्वर भी दी थी, जिस रिवॉल्वर से विजय यादव ने गोलियां चलाई थी वो रिवॉल्वर भी गाड़ी देने वाले ने ही दी थी। इस बात की सच्चाई भी गाड़ी का पता चलने के बाद सामने आएगी। जीवा को मारने वाला विजय यादव मोहरा था या खुद अपना बॉस, ये पुलिस की जांच में साफ हो जाएगा। लेकिन लोगों के दिलों से डर कैसे निकलेगा, क्योंकि अतीक अहमद हो या फिर जीवा, दोनों की हत्या पुलिस कस्टडी के दौरान हुई। अगर बदमाशों में पुलिस का ही खौफ नहीं होगा तो किसका होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।